अंक चार जिसका भी कोर है, किसका है? राहु। राहु क्या है? एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। और राहु क्या है? सर का हिस्सा भी है। और दोनों ही चीजें एक ही जगह बसती हैं, कहां? मनस के अंदर। भ्रमों के अंदर व्यक्ति रहता है या दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ षड्यंत्र चलता रहता है, कोई ना कोई दाव पे चलता रहता है। तो दो ही चीजें हैं, दाव पे अगर चल रहे हैं तो अल्टीमेट धोखा किसको है? अपने आप को। तो किस भ्रम में हो कि हमने किसी को बेवकूफ बना दिया? ये क्या है? भ्रम ही तो है। और राहु क्या है? जुगाड़ है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ यही घटित होता है। और राहु क्या है? केतु से बिछड़ा हुआ वो अंग है जिसको केतु से मिलना चाहिए, यानी कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। राहु वाले क्या करते हैं? मेरा दिमाग ये कहता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो अंतर आत्मा की आवाज को जब सुनना शुरू करेंगे, यानी कि केतु की आवाज को सुनना शुरू करेंगे, तो बात बनेगी। राहु और क्या है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन लाइफ। एस्ट्रोलॉजिकली क्या कौन सा घर देता है? अष्टम देता है ना, और प्लैनेट्स के आधार पर कौन सा अंक देता है? चार अंक। चार अंक आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन लाइफ देगा। और चार क्या है? कि जो चाहिए उस लक्ष्य को हासिल करना, ये कलाई अच्छे से जानते हैं। चार नंबर वाले और क्या है? अगर ये जीवन के अंदर विचलित हो जाएं, तो गणेश जी की पूजा उपासना। और अगर आपको कोई चार अंक वाला व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो विष्णु जी की पूजा आराधना। अगर आपका बाय डिफॉल्ट किसी चार वाले से परमानेंट के लिए पाला पड़ गया, हस्बैंड के रूप में या वाइफ के रूप में, तो विष्णु जी का सहारा। क्योंकि मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने ही राहु और केतु को, समझ पा रहे हैं? और चार अंक वाले क्या है? अपना अस्तित्व वो ढूंढते हैं, अपनी हर जगह किस तरह से अपनी प्रेजेंस शो करें, किस तरह से कोई काम को कराएं। लाइन तोड़ना इन्हें अच्छे से आता है, नॉर्म्स को तोड़ना इन्हें अच्छे से आता है। करें या ना करें ये एक अलग विषय है, पर आता है इन्हें। और क्या है राहु? राहु आपके माइंड पे आए हुए वो विचार हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। कभी कभी कुछ ऐसे विचार जीवन के अंदर आ जाते हैं जो आगे बढ़ने से व्यक्ति को रोक देते हैं। वो अनजाना डर जिसकी एग्जिस्टेंस होती नहीं, वो कौन देता है? राहु देता है। और इसको दूर करने के लिए क्या है, क्या किया जा सकता है इसको दूर करने के लिए? जो डिसीजंस व्यक्ति लेता है वो अपने पैरों की ओर लेकर के ले। अपने धड़ के हिस्से को एक बार जरूर देखे आईने में, फिर कोई जीवन का निर्णय जो है वो ले, तो राहु का सारे काम जो है सही पड़ने शुरू हो जाएंगे।